ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ अविशा मिश्रा। दिल्ली में कोविड महामारी ने भयानक रूप ले लिया है। मरीजों की तादाद में बेतहाशा वृद्धि के कारण यहां के अस्पतालों में कोविड स्पेशल बेड की कमी होने लगी है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि एक बेड पर दो दो मरीजों को रखना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के मशहूर LNJP अस्पताल का दृश्य देखकर आप समझ जाएंगे कि अगर तेजी से बेड नहीं बढ़ाए गए तो आने वाले दिनों में स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। एक तरफ LNJP अस्पताल का ये हाल तो दूसरी तरफ आप सरकार का दावा कि अब भी 5,096 बेड खाली पड़े हैं। केजरीवाल सरकार ने गुरुवार शाम को जारी आंकड़ों में कहा कि प्रदेश में 5,525 कोविड बेड हैं, जिनमें से सिर्फ 429 बेड पर मरीज हैं। दावा है कि दिल्ली के अस्पतालों में 14,918 बेड हैं, जिनमें से 10,134 पर मरीज हैं, जबकि 4,784 बेड अभी भी खाली पड़े हैं। सरकार ने बताया कि 26,974 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इस पर LNJP के मेडिकल डायरेक्टर ने कहा, कोविड केस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, हमने जी जान लगा दिया है। हमारे पास 300 से ज़्यादा ICU बेड हैं। आज 158 मरीज भर्ती हुए हैं। सभी मरीजों में ऑक्सीजन लेवल 91 से नीचे है। कोरोना के कारण दिल्ली की दुर्दशा की ये तस्वीर काफी डराने वाली है। ध्यान रहे कि गुरुवार को दिल्ली में 16,699 मरीज मिले, जबकि 112 मरीजों की मौत हो गई। अब देखना ये है कि आखिर दिल्ली सरकार कोरोना पर काबू कैसे पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर